बिग बॉस सीजन 14 में धीरे धीरे कंटेस्टेंट्स अपने रंग दिखाने लगे हैं। पवित्रा पुनिया का बीते एपिसोड में अलग ही रूप देखने को मिला। कंफर्म होने के लिए दिए गए टास्क के खत्म होने के बाद पवित्रा की टीम पर हिना और गौहर खान ने चीटिंग का आरोप लगाया था। बस इसी बात से पवित्रा भड़की हुई दिखी। निक्की तंबोली से बातचीत करते हुए पवित्रा पुनिया ने गौहर को गालियां दी। गौहर खान को लाल परी बुलाते हुए पवित्रा ने गालियां दी। पवित्रा ने कई बार अपशब्दों को इस्तेमाल किया, गौहर को रूल की किताब बताया। पवित्रा ने गौहर खान को बायस्ड बताया। निक्की से बातचीत में पवित्रा ने यह भी कहा कि हिना और गौहर ने टास्क में गैंगअप किया और सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ टास्क खेला। पवित्रा ने कहा कि मैं अब इन्हें बताऊंगी। पवित्रा पुनिया का इस तरह गौहर खान को भला बुरा कहना एक्ट्रेस के फैंस को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। पवित्रा को इसके लिए गौहर के फैंस ट्रोल भी कर रहे हैं। शो के दौरान गौहर को नहीं मालूम था कि उनके बारे में ये सब बातें की गई है, लेकिन अब गौहर खान बिग बॉस हाउस से निकल चुकी हैं। ऐसे में मंगलवार का एपिसोड देखने के बाद गौहर खान ने पवित्रा की ये बातें सुनी। पवित्रा की बातें सुनने के बाद गौहर ने इस पर रिएक्ट भी किया। गौहर खान ने ट्वीट कर लिखा, लाल परी सच में हैशटैग अलीमुद्दुल्ला, हारने वाले हमेशा जहरी उगलते हैं। काश एक महिला को ये पता होता कि उसकी जुबान ही उसकी ताकत है। बिग बॉस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।